मुरादाबाद के शिवलान स्थित दयानंद डिग्री कॉलेज में सेवानिवृत्त अभियंता कल्याण समिति द्वारा अभियंता दिवस मनाया गया। इस मौके पर इंजीनियर दिवस के अवसर पर सभी को ये बताया गया है कि समाज की सेवा करने के लिए हमेशा हमारा संगठन आगे रहता है। पूरे देश में 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महानगर के अनेक स्थानों पर भी अभियंता दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित दयानंद डिग्री कॉलेज के मीटिंग हॉल में सेवानिवृत्त अभियंता कल्याण समिति द्वारा रविवार को अभियंता दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम का आयोजन भी कराया गया। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त अभियंता कल्याण समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। सेवानिवृत्त अभियंता कल्याण समिति का ये कहना है कि समाज की सेवा करने के लिए कई वर्षों से हमारी समिति काम कर रही है। इस मौके पर सभी सदस्यों को अभियंता दिवस की बधाई भी दी गई। 15 सितंबर है और अभियंता दिवस के रूप में हम उसे हर वर्ष इसी तरह मनाते हैं। आज के दिन एक ऐसी विभूति, ऐसा कर्मठ इंजीनियर जो अपने में कर्तव्यनिष्ठ और अपने कार्य पर हमेशा पंक्चुअलिटी उसकी एक आदत थी, उसका एक नेचर था और ऑनेस्टी, उसी के तहत उन्होंने इस राष्ट्र निर्माण में एक अद्भुत सहयोग दिया और वो आज़ादी के बाद के सबसे पहले इंजीनियर घोषित हुए। और सेवानिवृत्त अभियंता कल्याण समिति के अध्यक्ष उमाकांत गुप्त का ये कहना है कि हमारा संगठन समाज की सेवा करने के साथ साथ रिटायर इंजीनियरों के लिए भी काम करता है। हमारा उद्देश्य ये है कि समाज को आगे बढ़ाया जाए और इस देश की सेवा की जाए, इसी उद्देश्य को लेकर हमारी संस्था काम कर रही है। आज 15 सितंबर है और 15 सितंबर को भारत रत्न सर डॉक्टर मोक्ष कुंदम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है और जिन्होंने भारत में बहुत पहले आज़ादी से पहले मैसूर में नहर बनाई, डैम बनाया और मैसूर वृंदावन गार्डन जो है वो उन्हीं के नाम पर स्थापित है। इसके अलावा उन्होंने अनेक परियोजनाएं इस देश को दी, समर्पित की। उनकी सेवाएं ऐसी हैं जो अमूल्य हैं और ये सेवाएं कोई भी देश भुला नहीं सकता उस दशा में जब भारत गुलाम था और भारत में इंजीनियरिंग की शिक्षा बहुत कम थी। आज उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये इंजीनियर दिवस मनाया जाता है और सर मोक्ष कुंदम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न की उपाधि दी गई और इस प्रकार ये इंजीनियर दिवस हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है, विभिन्न रूप में मनाया जाता है। हर साल हम ये इंजीनियर दिवस मनाते हैं और आज के दिन हम कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम करते हैं जो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि हो। इस उपलक्ष्य में हमने इस वर्ष 4 बच्चों को फीस भी दी जो गरीब अनाथ थे। आगे भविष्य में क्या योजना है आपके साथ? आगे भविष्य में यही योजना है कि हम समाज की सेवा में, समाज के कार्यों के लिए, समाज के वंचित वर्गों के लिए भी कार्य करते रहें और जो समाज ने हमें दिया है, जिस लायक हमें बनाया है, हम भी समाज को कुछ ना कुछ वापस करें।